आखिरकार बिना रेडी हुए शाम को उर्स मेला निकल जाते घूमने के लिए पूरे मस्ती में। हमारी मस्ती शुरू होते ही खत्म होने का लग रहा था क्योंकि ट्रैफिक जाम में जो फंस गए थे। जाम को देख के लग रहा था कि उर्स मेला यहीं बीत जाएगी, तभी ऊपर वाले की मेहरबानी होती और हम ट्रैफिक को पार करके सीधे उर्स मेला के समीप पहुंचने वाले थे। यहाँ पहुंच के बाइक खड़ा करके और हमारे चेहरे में मुस्कान लिए उर्स मेला के भीड़ में शामिल हो गए। इन भीड़ों के बीच में सबसे पहले हमारी नजर यहाँ की बोट के सवारी पे पड़ती है। ये भाई लोग अपने जलवा दिखा रहे थे और कुछ लोगों के लिए यह तो पैतराबाजी भी था। खैर मुझे इन सबसे क्या, इन सबसे आगे बढ़कर मैं उर्स मेला के सबसे सुंदर जगह देखने पहुंच जाता हूँ। यहाँ आने के बाद यही फील होता है। और यहाँ से आगे बढ़कर इस भीड़ में मैं भी शामिल हो गया। यहाँ पर तो देखने में लग रहा था चारों तरफ दुकानों से सजा और आजू बाजू में हरा भरा। इन बीच में यही सोचता रहा कि किधर जाऊं किधर जाऊं। इस मेले के खूबसूरत से नजारा और यहाँ के भीड़ में शामिल होकर इस मेले के बारे में सोचते सोचते आगे बढ़ने लगा। तभी इस भटूरे वाले भैया पे नजर पड़ती है जो कि अजीबोगरीब स्टाइल से भटूरा बना रहा था और यहाँ भी इसकी भीड़ भी देखने वाले काफी ज्यादा थे। खैर इसके स्टाइल की बात ही कुछ और है। और इस तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ और यह सोचते सोचते कि आखिर इस मेला में है क्या उतना खास, और मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन घूमने लगते हैं, जैसे कि इस मेला की शुरुआत कब हुई, यह मेला क्यों लगता है, इसका महत्व क्या है और इसकी शुरुआत कौन किए हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे। हालांकि मुझे इसका आंसर का पता नहीं है, पर मैंने गूगल करके कुछ पाया देखा कि और कुछ जानकारी भी निकला, जैसे कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 1928 में पेशावर में हजरत सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह जान रहमतुल्ला अल्लेह ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। हालांकि एक दो जगह देखने पे और कुछ जानकारी मिली और ये तब से ही अभी तक मेला लगता आ रहा है। उर्स मेला हमेशा 2 से 3-4 दिनों तक का रहता है और रांची में यहाँ पर यह मेला तो काफी वर्षों से लगता आ रहा है। तभी हमारी नजर दूसरे भटूरे वाले भैया पे पड़ती है। यहाँ के देखने वाले की भीड़ देख रहे हो काफी ज्यादा है और इसके स्टाइल भी अजीब है, दोनों हाथों में इतना बड़ा कमाल की है। खैर इन लोगों को देख देख के मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ और सोचने लगता हूँ। यहाँ की कफ की एक दुकान थी जो कि काफी कमाल की थी और ये दुकान भी आप देखिए काफी अच्छी से सजावट है यहाँ की। और इस मेले में मुझे कुछ खास लगा, जैसे कि अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, भोजन, जो सामान वस्तु जो कि सजे हुए थे सबकी दुकानों में काफी कमाल के लग रहे थे। हालांकि यहाँ के झूला लोग को देख के मुझे लगा कि पहले ही इतने ट्रेंड में नहीं होगी यहाँ की झूला, लेकिन ट्रेडिशनल टाइम का आ गया है तो भाई झूला तो कमाल किया है। अनेक प्रकार के झूला लगे हुए हैं जिसमें सारे लोग काफी खूब मजे से ऊपर नीचे नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। यहाँ के लोग भी अनेक प्रकार के हैं जो कि देखने के लिए हमें मिलते हैं और इतनी भीड़ झूला में उसकी बात ही कुछ और है। भीड़ के कारण थोड़ी सी यहाँ चलने में थोड़ा असुविधा होती है और हमारी एक और बहुत अच्छी किस्मत है कि यहाँ की बारिश ना हुई इस पल में, वरना यहाँ भी तब कचरा में तब्दील हो जाता है यह मेला। बारिश ना होने से काफी यहाँ मजा आ रहा है मेला में। खैर इस तरह से मेला को आनंद उठाते हुए हम अब घर की ओर जाने का सोच रहे थे और मैं जिसे शुरू से लेकर लास्ट तक ढूंढ रहा था वो था एक कुछ छोटी लाइट, वो नहीं मिला था। आखिर में जाने के वक्त मुझे मिली लाइट मिल जाती है और ये लाइट मैं खरीद के अपने साथ अपने घर के लिए निकल जाता हूँ।